हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ मी अंकिता. तो आज मैं बात करने वाली हूँ ये कलरबार सिनफुल मैट लिपस्टिक्स के बारे में. बट उससे पहले गाइस, मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे एक गिव अवे करने वाली हूँ. तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं गिव अवे का वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस लिपस्टिक के बारे में बात करते हैं. तो गाइस, ये लिपस्टिक कलरबार ने अभी अभी लॉन्च करी है. ये है उनका कलरबार सिनफुल मैट लिप कलर्स. तो ये लिपस्टिक टोटल 24 शेड्स में आती है. इसमें आपको हर शेड मिल जाएगा, लाइक हर कलर मिल जाएगा, फ्रॉम ब्राउन टू मॉव टू पिंक टू रेड्स. पर ज़्यादातर आपको बोल्ड कलर्स मिलेंगे. ऑल्सो गाइज, ये लिपस्टिक आती है 1200 रुपये की, और इसमें जो आपको वेट मिलता है टोटल, वो मिलता है 3.5 ग्राम्स. तो अगर मैं इसकी पैकिंग की बात करूँ तो ये ऐसी पैकिंग में आता है. ये काफ़ी लग्जूरियस पैकिंग दिख रही है, और ये यहाँ थोड़ा मैग्नेट रहता है. ये तो ये मैग्नेटिक पैकेजिंग में आता है, और यहाँ अंदर ये बुलेट है. सो गाइज, इसकी पैकिंग में लिखा हुआ है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रूएल्टी फ्री है, लाइट वेट है, और इसमें पैराफिन्स नहीं है, टैल्क नहीं है, और फ्रेग्रेंस नहीं है. तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग में यहाँ ये सब लिखा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया. 1200 की है, 3.5 ग्राम्स आपको इसमें प्रोडक्ट मिलता है. अब बात करते हैं इसके बुलेट के बारे में. तो ये पूरी पैकिंग की बात मैंने आपसे कर ली. इट इज़ वेरी लग्जूरियस. तो मेरे ख्याल से 1200 में 200-300 तो इसी में चले गए. और दूसरी बात, अगर मैं इसके बुलेट की बात करूं तो यहाँ भी आपको एक हल्का सा मैग्नेट मिलता है. यहाँ भी मैग्नेटिक पैकिंग है, और यहाँ आपको कलर जो है वो यहाँ से देखना पड़ेगा पीछे. मतलब अगर आपके पास मल्टीपल यही सिनफुल मैट ही हैं मल्टीपल्स, तो आपको पीछे या तो नाम रीड करके शेड यूज़ करना पड़ेगा, पर उसके लिए शेड याद भी होना चाहिए. और दूसरा, नहीं तो आपको ये बुलेट से खोल के देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि बुलेट उसी की पैकिंग की कलर में है. ऑल्सो गाइज, इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी सिमिलर है कलरबार मैट मी एज आई एम की तरह. जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी वैसे ही पैकिंग की है, और यहाँ भी पीछे आपको शेड का कलर मिलता है, और इस वाली पैकिंग में भी आपको पीछे शेड का कलर मिलता है. तो ये चीज़ें उनकी पैकिंग में थोड़ी सिमिलर है. सो गाइज, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में. जैसा कि पैकिंग में लिखा था, ये वो लाइट वेट फार्मूला है. डेफिनेटली ये बहुत लाइट वेट फार्मूला है. मैंने अभी लगाया हुआ है अपने लिप्स पे, एंड आई कैन रियली नॉट फील कि मेरे लिप्स पे कुछ है. बहुत लाइट वेट फार्मूला है इसका. अगर आप इसको लगा के रखते हो और आप कुछ ग्रीसी नहीं खाते हो, सिंपल प्लेन वाटर पीते हो या इस टाइप का, तो ये आपके लिप्स में आराम से 4 से 6 घंटे रहेगी. बट डेफिनेटली उसके बाद ये फेड होना शुरू हो जाएगी. और ये स्मज प्रूफ मैं बोलूँगी उतना नहीं है, क्योंकि थोड़ा स्मज होता है, आप देख सकते हो. ट्रांसफ़र प्रूफ भी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रांसफ़र होती है. अगर मैं आपको टिश्यू में ट्रांसफ़र करके दिखाऊं अभी, तो आपको पता चल जाएगा. जैसे कि मैंने अभी ये शेड लगाया हुआ है सिन, तो मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये मेरे पास एक प्लेन वाइट टिश्यू है, और मैं पर ये मैंने प्रेस करके किया है. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लाइक अगर आप नॉर्मली करोगे तो ये उतना भी ट्रांसफ़र नहीं होगा. तो वही मैंने बोला कि थोड़ा सा ट्रांसफ़र होता है. वाटर प्रूफ है, हाँ. अगर आप सिंपल प्लेन वाटर पियोगे तो ये आपके लिप से नहीं जाएगी. पर अगर आपने कुछ डेफिनेटली ग्रीसी या ऑयली खाया, तो ये आपके लिप से फेड होगी, फ्रॉम द सेंटर्स और साइड में रहेगी. ओके, तो ये फॉर्मूला की बात मैंने कर ली. और अब मैं आपको इसके स्वॉचेस दिखाती हूँ. पहले अपने हैंड पे दिखाती हूँ मैं आपको, और फिर मैं आपको प्रॉपर लगा के दिखाऊंगी. तो ये वाला जो शेड है, ये है सिन 01. ओके, ये शेड है सिन 01, और ये ऐसा है. नाइस मॉफ पिंक कलर फॉर एवरीडे यूज़. ये आप हम रोज़ यूज़ कर सकते हो. मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कलर. और जो दूसरा कलर है वो थोड़ा सा डार्क है. इन लाइक मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास एक कलर थोड़ा डे वेयर का है, और एक कलर थोड़ा नाइट वेयर का है. क्योंकि ये जो सेकंड कलर है, जो कि है प्रोवोक, ये आप देख सकते हो 10 प्रोवोक, ये आप देख सकते, कितना ब्यूटीफुल है. और ये नाइट कलर मुझे ज़्यादा लगा. ये थोड़ा फ्यूशा नहीं बोलूँगी मैं, मैजेंटा टाइप में है, और ये थोड़ा मॉविश टाइप में है. सो गाइज, मेरे पास ये दो कलर थे. ये मैंने आपको स्वॉच करके भी दिखा दिए. मैं डेफिनेटली आपसे ये बोलूँगी कि प्रॉपर कलरबार के काउंटर पे जाइए, वहाँ स्वॉच करिए और फिर लीजिए, क्योंकि 1200 रुपये का इन्वेस्टमेंट बहुत होता है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वही शेड लें जो आपको पसंद आए, जो आपके लिप्स पे सूट करे, जो आपके
फेस पे सूट करे, आपकी स्किन टोन के साथ जाए, तो इसलिए डेफिनेटली गो टू द कलरबार काउंटर एंड देन टेक इट. और अगर आप नहीं जा सकते और आपकी सिटी में कलरबार काउंटर नहीं है तो थोड़ा रिसर्च करके प्रॉपर लीजिए. आपको ये नायका और कलरबार दोनों की साइट में मिल जाएगा. आई थिंक इट इज़ ऑन अमेजोन ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर. और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे शेड के लोग ये कलर्स ले सकते हैं. मेरे पास दो ही कलर हैं, तो अगर आप लोग मेरे शेड से थोड़े मैचिंग हैं तो आप ये ले सकते हैं कि नहीं. तो अब मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ लिप्स पे. शेड आपने अभी अभी इसके स्वॉच देखे हैं एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग. तो डेफिनेटली आप ये चेकआउट कर सकते हैं ऑन द कलरबार काउंटर और ऑन द कलरबार वेबसाइट और ऑन नायका. तो प्लीज डू ट्राई दीज, आई लव दीज. और अगर मैं बात करूँ कि मुझे ये जो शेड का जो कलर है ये एक ही स्वाइप में मिला कि नहीं, डेफिनेटली ये मुझे एक ही स्वाइप में मिला. फॉर्मूला वाइज इट इज़ ऑल गुड, फॉर्मूला वाइज आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. इट इज़ वेरी नाइस, वेरी यू नो like a creamy matte, it is very comfortable on the lips and very nice. The only downside is कि ये 1200 रुपए की है, तो make sure you invest in a lipstick जो shade आपको बहुत अच्छा लगता हो, जो आपको बहुत पसंद हो. So that was it guys, this was my review on the Colorbar sinful matte. और please do subscribe to my channel and make sure कि आप bell button भी click करें. अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो please इस video को like कर दीजिएगा. और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे next video में. till then this is me Ankita saying goodbye.